ओप्पो जल्द ही इंडिया में अपनी एफ सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। सो ये स्मार्टफोन होगा ओप्पो F25 Pro 5G। तो कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन सब कुछ रिवील कर दिया है और ये भी माना जा रहा है कि ओप्पो के लेटेस्ट लॉन्च फोन ओप्पो रेनो 11F 5G का एक रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसे अभी हाल ही में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। सो इस फोन को ना एक ही कलर ऑप्शन में अभी कंपनी ने रिवील किया है, लेकिन माना जा रहा है कि और भी कलर ऑप्शंस में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है। सो अब जितने भी डिटेल्स कंपनी ने रिवील किए हैं उसके मुताबिक ये एक मिड सेगमेंट वाला फ़ोन होगा, जिसे 25,000 तक के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा और जो कंफर्म लॉन्च डेट है वो है 29 फरवरी। तो इस मंथ के एंड में कंपनी इस फोन को ऑफिशियल करेगी और जो कलर रिवील किया है कंपनी ने वो है एक लावा रेड कलर। तो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, एकदम डिफरेंट सा कलर में इसको टीज किया है कंपनी ने। तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, जिसके लिए एक नई माइक्रोसाइट भी कंपनी ने लॉन्च की है अमेज़ॉन पर, तो वहाँ जाके आप इस फ़ोन का जो फर्स्ट लुक है वो देख सकते हैं और हमने इस वीडियो में भी शेयर किया है। तो अपना कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा और ये पांडा ग्लास से प्रोटेक्टेड होगा। सो इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें आपको 40MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का एक मैक्रो लेंस मिल सकता है। साथ ही सेल्फी के लिए इसमें आपको 32MP का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा। सो ये ना अभी हमने कुछ बेसिक फीचर्स की बात की है, अब ये भी माना जा रहा है कि ये ओप्पो का ऐसा पहला स्मार्टफोन होगा जिसे कंपनी AI फीचर्स के साथ लॉन्च करेगी। अब ये जो AI फीचर्स है ना, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करी थी सैमसंग ने, सैमसंग S24 अल्ट्रा में AI फीचर्स रोल आउट किए गए थे। इससे पहले हमने गूगल पिक्सल 8 सीरीज में देखा था और अब ओप्पो पहला ऐसा ब्रांड होगा जो इतने सस्ते स्मार्टफोन में AI फीचर्स रिवील करेगा। सो एक जो इसका AI फीचर रिवील हुआ है ना, वो है AI स्मार्ट इमेज मैटिंग फीचर। अब ये फीचर ना बिल्कुल काम करता है आईफोन में, जैसे आप किसी भी अपने फ़ोटो पे जाइए, उसको टैप होल्ड करके रखिए और आपका एक जो इमेज है, जो फोकस्ड इमेज है, जैसे पूरे पिक्चर्स में से अगर आप अपना एक इमेज क्लिक आउट करना चाहते हैं एज अ स्टिकर की तरह, जैसे आप दूसरे ऐप्स पर शेयर कर सकते हैं, तो ये फीचर बिल्कुल उसी की तरह काम करेगा कि आप बस प्रेस होल्ड करके रखिए किसी ऑब्जेक्ट पर और वो एक कटआउट इमेज की तरह आपके पास आ जाएगा, जैसे आप व्हाट्सएप या दूसरे किसी भी ऐप पर शेयर कर सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं स्टिकर की तरह। और इसके अलावा ना कुछ आपको AI नए फिल्टर्स भी मिलेंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड मिलेगा आपको, ब्यूटी फिल्टर्स मिलेंगे जो आपको ना एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक करने में मदद करेंगे। अब फ़ोन की ना परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो माना जा रहा है इस फ़ोन में आपको MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट मिल सकता है। तो ये एक अच्छा चिपसेट है, मिड रेंज सेगमेंट में अगर आपको ये चिपसेट मिल रहा है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है फ़ोन में। 8GB रैम मिलेगी और 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी। अब जो फ़ोन का बैटरी साइज़ है वो उसमें 5000mAh यानी कि स्टैंडर्ड बैटरी साइज़ रखा गया है, जो 67W फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है। तो अब ना यूज़र्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है कि भाई फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है फ़ोन में, क्योंकि अब इतना बिजी स्केड्यूल है, हर कोई चाहता है कि जल्दी से बस प्लग इन करो और फ़ोन चार्ज हो जाए। तो वो फुलफ़िल करने के लिए कंपनी ने 67W 25,000 प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये सब जो फीचर्स है ना, ये सब अभी रिवील किए गए हैं कंपनी की साइड से। फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, डिज़ाइन रिवील हो चुका है और लॉन्च डेट आ चुकी है। अब देखना ये है कि इंडिया में जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो क्या यूज़र्स इस फ़ोन को पसंद करेंगे। तो इन सब फीचर्स में आपको क्या लगता है कि ये सारे फीचर्स 25,000 तक के प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाइड है? ओप्पो के इस अपकमिंग फ़ोन को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जैसे ही फ़ोन लॉन्च होगा ना, हम एक और फ्रेश वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।